हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं लगातार आपको इसी तरीके की सारी वीडियोज़, हर एक पेपर का एनालिसिस और जितने भी दिन में वीडियो अपलोड होती है करंट अफेयर की, मैथ की, रीजनिंग की, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि ऊबर कप किसने जीता, ये आपका जापान ने जीता, तो राइट आंसर जापान हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये बोधगया में, ये सभी को पता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ई प्रोम की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई थी। तो देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, और इसमें आज कल पूछी गई थी रोम की और रैम की, आज ई प्रोम की पूछ ली गई है। तो इसकी ई प्रोम की होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका महावेली नदी, महावेली नदी कहाँ पर है, तो ये श्रीलंका में है भाई, ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। यूपी की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 16.5% है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो 69 point something है, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा आप, नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है। कॉमनवेल्थ गेम की थीम क्या थी, तो यहाँ पे सेव द ड्रीम राइट आंसर आपका हो जाएगा। अभिज्ञान संकुतलम की रचना है, मतलब है कि अभिज्ञान संकुतलम किसकी रचना है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसकी ये रचना है, ठीक है। कैपिटल करेंसी से अभी भी आपका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ कैपिटल ऑफ इक्वाडोर की कैपिटल पूछी गई थी, तो क्यूटो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका उर्वशी रचना किसकी है, तो रामधारी सिंह दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की ये उर्वशी रचना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका नोएडा की फुल फॉर्म पूछी गई थी भाई, नोएडा की फुल फॉर्म है आपकी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन था ये, पता भी होना चाहिए आपको इसका। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है, तो इल्तुतमिस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, तो आर्टिकल 324 में आपका आता है निर्वाचन आयोग, ठीक है भाई। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है, तो ये करनाल में है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है, तो मोहिंदर पुरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मोहिंद्री पुरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका विश्व की दूसरी सर्वाधिक प्राचीन चट्टान भारत के किस राज्य से प्राप्त हुई है, तो उड़ीसा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, पता होगा आपको। दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन तो बहुत कम मिले हैं, बहुत टाइम भी लग गया मेरे को इनको निकालते हुए, तो बस जो कुछ भी है यही है। अभी आप बात कर लेते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके जो चैप्टर पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन भी है रीजनिंग के, उनके बारे में भी बात करेंगे। अभी रीजनिंग में स्टेटमेंट कंक्लूजन से आपके अच्छे खासे और लेंथी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें टाइम लगने वाला था, ठीक है। इस लोग का भी वही हाल था कि मतलब ये जो स्टेटमेंट कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आए हैं, इसलिए लेंथी बहुत थे, जिनमें टाइम लग रहा था रीड करने में, तो रीजनिंग को हम बोल सकते हैं हार्ड थी, ठीक है। हार्ड जिसने प्रैक्टिस कर रखी है उसके लिए हार्ड नहीं थी, क्योंकि ये क्वेश्चन छोड़ने वाले थे। जो क्वेश्चन टाइम कंज्यूम कर सकता है, आपको लगता है, तो उसको स्किप कर दीजिए ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले का सिलेक्शन थोड़ी होता है कि जो सारे अटेम्प्ट करके आएगा उसी का सिलेक्शन होगा। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा, उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपका मिरर एंड वाटर इमेज से क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन मुझे पता भी चल गया, डायरेक्शन से क्वेश्चन था, एनालॉजी का भी एक क्वेश्चन पता चला है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपके आए हैं, सीरीज आपका अल्फाबेट और न्यूमेरिकल दोनों पूछी गई है, कोडिंग डिकोडिंग का भी क्वेश्चन था, काउंटिंग फिगर, फिगर सीरीज, यानी कि फिगर सीरीज में आपका होता है कि जो फिगर आपको दे दी जाती है वो आपको कंप्लीट करनी होती है, चार ऑप्शन आपको दिए होते हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन था। तो कुछ क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसलोगिज्म का क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो इसमें कुछ इस तरीके से दिया गया था, सभी फाइलें कागज हैं, तो आपका फाइलें वाला वेन डायग्राम को कवर कर लेगा कागज, तो सभी फाइलें कागज हो जाएगी। कुछ कागज पुस्तकें हैं, तो देखिए यहाँ पे इस वाले को हम हल्का सा इस तरीके से बनाएंगे, तो कुछ कागजें आपके पुस्तक हो जाएंगी, और कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, तो कुछ पुस्तकें जो हैं आपकी इस तरीके से पत्रिकाएं हो जाएंगी। तो यहाँ तक आपको मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, ये सब बना लेते हैं। अब नेक्स्ट आपका है, इसमें निष्कर्ष क्या है, सभी फाइलें पत्रिकाएँ हैं,
तो सभी फाइलें पत्रिकाएं कभी नहीं हो सकती, क्योंकि पत्रिकाएं और फाइलें देखिए कहाँ पे हैं, फाइलें यहाँ पे हैं, पत्रिकाएं यहाँ पे हैं, तो ये कभी भी जो यहाँ पे बोला गया है वो स्टेटमेंट कब ट्रू हो सकती है, सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, तो यहाँ पे जो फाइलें वाला वेन डायग्राम है इसको कवर करेगा पत्रिकाएं वाला डायग्राम, तो तब तो जाके ये बन सकती थी ये वाली कंडीशन, तो ये वाली तो कभी भी नहीं हो सकती, तो इसको तो रॉन्ग कर देंगे। दूसरा है सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है, तो सभी पुस्तकें देखिए पुस्तकें और पत्रिकाएं, यहाँ पे हमें पता है कि कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, तो सभी पुस्तकें पत्रिकाएं तो नहीं हो सकती, तो इसको हम बोल सकते हैं कि राइट आंसर हो सकता है। तो एक इस तरीके का आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखिए ये तो सिंपल था, ये किसी बच्चे ने बता दिया, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि लेंथी होते हैं, और क्वेश्चन ये भी बताया जा रहा है कि एक टाइप के क्वेश्चन ही मतलब कई कई बार रिपीट किए जा रहे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा चेंज करके बिल्कुल डिट्टो ये क्वेश्चन दूसरा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। एक सीरीज वाला एक क्वेश्चन था, इसमें 4, 10, 22, 40 और नेक्स्ट आपको बताना था कि क्या आएगा। मैंने आपको बताया जब भी सीरीज इंक्रीज होगी दो ही कंडीशन में होगी, तो मल्टीप्लाई चलेगा या प्लस चलेगा, ठीक है भाई। माइनस में तो डिक्रीज हो जाएगी, डिवाइड में भी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें 6 है, इन दोनों का डिफरेंस देखें 12 है, डिफरेंस देखें 24 है, डिफरेंस देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको बताना ही है वो। तो यहाँ पे मैंने देखा 6, 12, 24, यानी कि डबल करते हुए जा रहे हैं, 6 को डबल किया 12 हो जाएगा, 12 को डबल किया 24, तो नेक्स्ट 24 को डबल कर देंगे ना, तो 24 को डबल करेंगे 48, तो 46 में 48 को प्लस करेंगे तो 94 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो 94 इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके की सीरीज़ अगर आपको मिलती है तो ये बिल्कुल भी हम ये नहीं बोल सकते कि ये हार्ड सीरीज़ है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन भी वही शेयर कर पाते हैं जिन जो मतलब बहुत ही इजी होते हैं, जो क्वेश्चन हार्ड होते हैं तो उनका तो वो आइडिया दे देते हैं बट क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्रेंड का पूछा गया था कि वोटर इमेज क्या होगी, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वोटर इमेज पूछे चाहे मिरर इमेज पूछे, बस आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए छोटा सा, अगर वो पता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप कर लेंगे। जैसे फ्रेंड का आपको पूछा वोटर इमेज, तो आपको वोटर इमेज में मान लेना है कि मिरर अब की बार यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो फ्रेंड का कौन सा एफ ये मैंने बनाया, तो कौन सा पोर्शन मिरर के पास में है, ये वाला देखिए जो एफ का नीचे वाला भाग है, ये वाला प्लेन वाला ये वाला, ठीक है, ऊपर वाले ऊपर दो डंडे हैं, ये वाला भाग मिरर के पास में है, तो मुझे ये ही पास में रखना है, ये दूर रखना है इससे। तो इसी तरीके से आपका आर हो जाएगा, आर का ये वाला भाग पास में तो पास में रखना है, ई आई और ई का तो कोई चेंज ही नहीं है, एन का आपको उल्टा कर देना है, ठीक है, डी का आपका भी वैसे का वैसे रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये फ्रेंड का मिरर इमेज वोटर इमेज बन जाएगी, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पे नींव भवन और संविधान राष्ट्र। देखिए भवन में आपका जब हम भवन बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसमें नींव हम भरते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से आपका राष्ट्र में संविधान की ज़रूरत होती है, राष्ट्र को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे राष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में कुछ और भी दे सकता हो सकता है कि मतलब देश या इस तरीके से भी कुछ दे और भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे लगाना था। बेसिकली यही बोलना है कि मतलब जैसे भवन को नींव की ज़रूरत होती है, वैसे देश को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था वेन डायग्राम से, यहाँ पे बोला गया था चाय कॉफ़ी और पे, यानी कि चाय और कॉफ़ी दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो दो अलग अलग आपने वेन डायग्राम बना लिए चाय का और कॉफ़ी का, ठीक है, बट दोनों के दोनों पिए जाने वाले प्रोडक्ट हैं, दोनों के दोनों पिए जा सकते हैं, तो दोनों के दोनों पे के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका एक वेन डायग्राम बन जाना था, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं आपकी बात करूं आज के पेपर की, तो ओवरऑल पेपर आपका मतलब मॉडरेट लेवल था, जीके इजी लेवल की थी और हिंदी बहुत ही इजी लेवल की थी। रीजनिंग थोड़ा सा मतलब बच्चों को कंफ्यूज करने वाला बात बोली जा सकती है, कि जिसमें बच्चे बोल रहे हैं कि आके कि सर रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो टाइम कंज्यूमिंग हम बोल सकते हैं, इसलिए मैं बोलता था आपको, अब तो टाइम ही निकल गया, कि जो ऑनलाइन टेस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे वीडियो के लिए, आपको उसको परचेज करके प्रैक्टिस करनी थी। अगर आप वो ऑनलाइन टेस्ट परचेज करके प्रैक्टिस करते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे बताया कि उनसे बहुत अच्छा स्कोर हमने किया, तो इसी तरीके से मैंने RPF के लिए भी प्रोवाइड करा रखा है, SI के लिए, तो जो एग्ज़ाम अभी बचे हुए हैं अगर आपने वो भर रखे हैं तो उनके टेस्ट परचेज करके अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है, ठीक है ना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए या फिर किसी भी वीडियो की PDF चाहिए, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर डायरेक्ट आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पर जाकर टॉपिक स्टडी, तो वहां पे मिल जाएगा, ठीक है भाई। और इसी तरीके ऐसे मैं आपको सारे पेपर के एनालिसिस, और हाँ मैं अभी आपको मुझे बताइएगा, थोड़ा सा सजेस्ट करिएगा, मैं आपके लिए अभी एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ
जैसे हम पहले 3 वीडियो अपलोड करते थे दिन में, एक मैथ की, एक रीजनिंग की और एक लाइव टेस्ट की, तो वो मैं दोबारा से स्टार्ट करने सोच रहा हूँ। तो आप मुझे सजेस्ट करिए कि किस तरीके से, किस किस टाइम आप चाहते हैं कि मैथ की वीडियो मिले। और मैथ की वीडियो कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो में, चाहे वो आधे घंटे की बने चाहे 1 घंटे की, 2 वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करा दूं। और वो अल्टरनेटिव डेज में वीडियो मिलेगी, जैसे आज मैथ की मिल गई तो कल आपको रीजनिंग की, फिर मैथ की, क्योंकि एक दिन में एक ही वीडियो अच्छी बन सकती है, 2 वीडियो अच्छी नहीं बन सकती है, बट आपको अच्छा रिस्पॉन्स उसका देना पड़ेगा। तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस तरीके से आप चाहते हैं, थोड़ा सा आप सजेस्ट करेंगे तो मैं भी थोड़ा सा उस एरिया में सोच सकूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड शिफ्ट का, सॉरी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेके। वीडियो को देखें, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।